शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। वाशी जैन मंदिर चौराहे पर नवी मुंबई मनपा द्वारा शुरू खोदकाम के दौरान पास ही में बिछी हुई महानगर गैस पाइपलाइन के फूटने से कई समय तक गैस लीकेज की घटना घटी। गैस रिसाव इतना भयंकर था कि कई मीटर तक गैस हवा में भारी दबाव के साथ उड़ता रहा। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद इस रिसाव पर काबू पाया। दरअसल नवी मुंबई मनपा और ठेकेदार क्लासिक कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त जगह पर कलवट के काम को अंजाम दिया जा रहा था, मगर बरती गई लापरवाही से सीधे गैस पाइपलाइन ही फूट गई। मुख्य रास्ते पर ही गैस रिसाव की घटना से आसपास की दुकानों के साथ ही कुछ समय के लिए यातायात भी बंद कर दी गई। छोटी सी अनदेखी कितना बड़ा अंजाम दे सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण आज की यह घटना रही, जिसके लिए लोग मनपा और ठेकेदार क्लासिक कंस्ट्रक्शन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। काम चालू होतं, काम चालू असताना असं लगेच फायर ब्रिगेडच्या समोर असताना आम्हाला असं निदर्शनास आलं की बघ गॅसची पाईपलाईन फुटली आहे। तर ताबडतोब आमची पहिली एक गाडी लगेच आली आणि लगेच आम्ही कर्टन जे असतं की गॅस डायल्यूट करण्याकरता ते कर्टन्स आम्ही इकडल्या साईडला आणि ब्रँचवर माणसं ठेवून आम्ही ताबडतोब काम चालू केलं लगेच। त्यानंतर लगेच आपले जे आहे ऑपरेशनल आणि मेंटेनन्स जे MNGचे आहे त्यांना कॉन्टॅक्ट करून त्यांची लाईन बंद करण्यास सांगितलेली आहे। तर या पॉकेटला जाणारी ही मेन लाईन समजल्या जाते आहे, त्यामुळे इथं प्रेशर जास्त होतं। तर ती लगेच आम्ही एकदम ताबडतोब जसं माहिती पडलं तसं आम्ही लगेच कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला आणि कंट्रोलमध्ये आहे। ब्युरो इनपुट ईडब्ल्यू नेटवर्क।